नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाली द इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज पर, और आप सुन रहे हैं भारत शर्मा को। आज हम बातें करेंगे कुछ अलग कंडीशन की, जो पिछली बार की थी उससे अलग करेंगे। पिछली बार जो की थी, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस पर जाकर उनको देख सकते हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा उनको दोहराने की कोशिश करूंगा। हमने अलग अलग हालातों को जानने की कोशिश की और उनमें देखा कि उन पर्टिकुलर हालात में हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन हमारा तरीका एक ही जैसा रहता है। आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने रूटीन लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे काम हैं जिनको हम करते हैं, और ये शायद कई बार हमको बताने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार हमें कोई कुछ व्यक्ति ऐसा काम करने के लिए कहते हैं जो मेरे रूटीन में शामिल ही नहीं है, मैंने उसको शामिल किया ही नहीं है। वजह कुछ भी हो सकती है और मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो भाई कुछ तो होगा जो मैं करता होऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। इस तरह की बातें जो हम करते हैं, तो वहाँ पर हम एक टाइम वर्ड को लेकर आते हैं, और हर बार हम एक शब्द ला रहे थे आपको, मैं बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कभी हम इज ला रहे थे, एम ला रहे थे, आर, हैव और हैज़, इनका इस्तेमाल हमने देखा पिछले वीडियोस में। और आज जो शब्द आएगा ऐसे हालात में, वो शब्द होगा डू। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई टीच इंग्लिश। अभी आई के बाद हमेशा ऐसा हो रहा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई के बाद मैं एम लेकर आ रहा था, मैं पढ़ा चुका हूँ तो मैं आई के बाद हैव लेकर आ रहा था, कोई काम मैं कर रहा हूँ तो आई एम, वो काम मैं कर लिया हूँ, कर दिया हूँ, कर चुका हूँ तो आई हैव आ रहा था। लेकिन आज वो काम मैं करता हूँ तो आई के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वो एक्टिविटी का नाम आ जा रहा है। टीच कर रहा हूँ तो आई टीच, करता हूँ इन द सेंस आई टीच। दिखता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन होता तो है एक शब्द जो इस आई के बाद आता है, और वो शब्द होता है डू, डी ओ डू, आई डू टीच। अब होता यूं है कि ये डू जो शब्द है, इसको यूं मानिए, एक तो पहला नियम मैंने बताया था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम उस व्यक्ति का नाम लें जो उस काम को करता है, कर रहा है या कर चुका है, और उसके बाद हम वो शब्द ना लगाएं जिसको कि हम हालात के अनुसार लगाते हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी चूंकि हालात एम का नहीं है तो काम चल नहीं रहा है, तो मैं आई एम नहीं बोल रहा हूँ। वो काम मैंने कर लिया है कि नहीं कर लिया है ये बताने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं आई के बाद हैव यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो रूटीन की बात है तो मैं आई के बाद डू यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस डू की अपनी एक नेचर, ये डू जब अपने ठीक सामने, अपने ठीक बाद किसी एक्टिविटी को पाता है, किसी एक्शन को पाता है, किसी ऐसे शब्द को पाता है जिसमें कुछ होने का एहसास होता है, जैसे टीच। टीच वर्ड सुनकर आपके दिमाग में कोई वेजिटेबल नहीं आती, कोई एनिमल नहीं आता, कोई फ्रूट नहीं आता, कोई शहर का नाम नहीं आता। आपको समझ में आता है कि कोई टीचर है अपने स्टूडेंट को, कोई सब्जेक्ट के बारे में टीच कर रहा है, कोई लेसन टीच कर रहा है, आप समझते हैं, पढ़ाना मतलब वो एक एक्टिविटी है। तो वो जो तीसरे नंबर पे आने वाला शब्द था, उससे पहले जो दूसरे नंबर पर आने वाला शब्द था, अब इन हालात में कि मैं ऐसा करता हूँ, वो डू होगा। लेकिन डू का चूंकि अपना एक नेचर होता है कि जब वो अपने से आगे इस एक्टिविटी को पाता है तो वो उसमें जंप कर जाता है और अपने आप को डिसअपीयर कर जाता है। इसको इस तरह से समझें, समझें कि आपने सेंटेंस तो यूं ही लिखा था, लिखने वाले ने इंग्लिश की शुरुआत जब की होगी तो शायद ऐसे की होगी कि आई डू टीच, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, आई डू टीच। लेकिन डू का अपना नेचर कि वो जंप कर जाता है टीच में और उसके बाद वो नज़र नहीं आता, चूँकि नज़र नहीं आता तो बोलता नहीं है, बोलता नहीं तो लिखता भी नहीं है, और हम उसको सिंपली बोलते हैं सेंटेंस को आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। तो ये सोचना कि आई और टीच के बीच में कुछ नहीं है, ये उनके लिए हो सकता है जिनको नहीं मालूम, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ एक टाइम वर्ड है, आई और टीच के बीच में एक शब्द है जो उस हालात को बता रहा है कि ये काम इनके रूटीन में है, ये अभी नहीं कर रहे हैं ऐसा, ये करते ही हैं ऐसा, ये इनके रूटीन में है। तो वो जो हम बताएंगे तो उस डू टाइम वर्ड को लाएंगे, वो अलग बात है कि वो बोलेगा नहीं। जब हम पॉजिटिवली किसी बात को कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, तो वो एक्शन में जाकर, उस एक्टिविटी में जाकर, उस शब्द में जाकर छिप जाएगा, लेकिन शर्त होगी वो तब ही जाएगा उसमें जब उसके ठीक बाद वो एक्टिविटी वाला शब्द आएगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई डू टीच इंग्लिश,
डू गया कहाँ, टीच में नहीं दिखाई दे रहा, डिसअपियर हो गया, रह जाएगा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अगर इसे बाहर निकालना हो तो निकल आएगा। आपने मना कर दीजिए, कह दीजिए मैं नहीं पढ़ाता। बहुत सारे लोग हैं जो उनका काम टीचिंग नहीं है, उनके और ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, और कुछ काम हो सकते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं पढ़ाता इंग्लिश। हो सकता मैथ पढ़ाते हों, उन्होंने कहा मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, तो मना करना है। और मैंने सिखाया था आपको मना करने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा। तो क्या हम सेंटेंस बोलेंगे आई नॉट टीच इंग्लिश? नहीं होगा ऐसा। मैंने जब लास्ट टाइम आपको वीडियो बताया था कि नॉट कभी अकेला नहीं आएगा, उसको सपोर्ट करने के लिए एक वो शब्द जिसको हम टाइम वर्ड कहते हैं, जो उस पर्टिकुलर हालात के बारे में बात करता है, उस शब्द को पहले लेकर आएंगे, वो पहले बोलेगा। आई के बाद वो शब्द पहले बोलेगा। यहाँ पर वो इज नहीं है, एम नहीं है, आर नहीं है, वो हैव नहीं है, हैज नहीं है। लास्ट वीडियोस में हम इन पर बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं चुकी डू की, तो यहाँ डू है, उस डू को हम पहले लेकर आएंगे और हम कहेंगे आई डू। अब आ जाएगा नॉट और कहेंगे आई डू नॉट, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आई टीच केमिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आई टीच हिस्ट्री। सो दिस इज़ अ वे। लास्ट टाइम भी मेरी आपसे एक गुजारिश रही थी, केवल वीडियोज़ को सुनने से काम नहीं चलेगा, इनको बोलना पड़ेगा। अगर मैंने आपको आई टीच इंग्लिश बोला है, तो अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स रह गए हैं, आप उनका नाम ले दीजिए, झूठ ही बोल दीजिए, लेकिन ज़ुबान की प्रैक्टिस तो होगी। आप बोलिए आई टीच मैथमेटिक्स, आई टीच डायनामिक्स, आई टीच कैलकुलेशन, आई टीच दिस, आई टीच दैट, वॉट एवर यू टीच। और नहीं भी टीच करते, लेकिन आपको एक आदत हो जाएगी। और ज़रूरी क्या है कि आप टीच ही बोलेंगे? टीच क्या है? एक एक्टिविटी का नाम है। तो आप जो एक्टिविटी करते हो उसको कह दीजिए। मान लीजिए आप तो बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है आपको, या आपको पसंद नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई प्ले बैडमिंटन। आप फुटबॉल खेलते हैं तो कह दीजिए आई प्ले फुटबॉल। तो भाई बैडमिंटन का क्या बोले? वो मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले बैडमिंटन। मैं कॉलेज नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। तो आप जाते तो हैं सुबह सुबह, हाँ मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस। और इसमें डू छिपा है, कहाँ है? गो के अंदर, दिखता नहीं, बुलता नहीं। लेकिन अगर मना करूँगा तो उसको निकल कर बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि नॉट अकेला नहीं आ सकता। उस नॉट को सपोर्ट करने के लिए वो डू जो गो में छिपा है आ जाएगा, और कहेंगे हम आई डू नॉट गो टू कॉलेज। तो कहाँ जाते? आई गो टू ऑफिस। मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। मैं लड़ता नहीं हूँ मेरे दोस्तों के साथ, आई डू नॉट फाइट विद माई फ्रेंड्स। मैं स्मोक नहीं करता, आई डू नॉट स्मोक। हाँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, आई हेल्प अदर्स। मैं हमेशा मदद करता हूँ, आई हेल्प अदर्स ऑलवेज। मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, उनकी बात को मानता हूँ, आई ओबे माई पेरेंट्स, आई ओबे माई पेरेंट्स। मैं अपनी मम्मी से बहस नहीं करता, आई डू नॉट आर्ग्यू विद माई मदर, आई डू नॉट आर्ग्यू विद माई मदर। मैं अपने पापा को पलटकर जवाब नहीं देता, आई डू नॉट आंसर बैक माई फादर। आंसर बैक माने पलटकर जवाब देना, आई डू नॉट आंसर बैक माई फादर। तो मैं क्या करता हूँ और मैं क्या नहीं करता हूँ, ये अभी आपने सुना जाना, लेकिन अभी आप इसे कहेंगे कि हाँ मुझे आ गया, नहीं आया। आप इसे बोलिए अभी जब ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसे अपने घर में 10-20 सेंटेंस बोलकर अपने छोटे भाई को, बहन को बताइए कि आप क्या करते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ यार डेली, आई स्टडी। स्टडी माने पढ़ाई लिखाई करना, आई स्टडी। मैं इंग्लिश का अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैं हिंदी का अखबार नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर, आई डू नॉट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। मैं इंग्लिश का अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैं हिंदुस्तान अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड हिंदुस्तान, आई रीड हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बनाइए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपको समझ आएगा कि हाँ आपने जो सुना, आपने जो समझा, वो आपको आ गया है, और ये प्रूवन हो जाएगा।
और एक बार जब आपके दिल को ये पता लगता है कि हाँ ये मेरे से हो रहा है, तो वो जो कॉन्फिडेंस हासिल होगा वो बहुत अच्छा होगा। केवल वीडियो देखकर उसको इतिश्री ना करें, केवल सुनकर उसकी इतिश्री ना करें, और मेरे द्वारा बताए गए सेंटेंसेस को बोलकर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। आप अपना सेंटेंस बनाइए। मैंने अगर गो की बात कही थी तो आप, मैंने कॉलेज की बात कही थी तो आप कुछ और बना दीजिए। आप कहिए मैं स्टेडियम नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्टेडियम, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आप अपना काम कीजिए। हम बचपन से देख रहे हैं, हमारे टीचर्स हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे तो उसमें उन्होंने कोई क्वेश्चन कराया वहाँ क्लास में, तो हम को वो अपना होमवर्क में क्या करते थे, कुछ डायमेंशन चेंज कर देते थे, तो उससे हमारे जो मल्टीप्लिकेशन है, जो तमाम कैलकुलेशन है, उसमें थोड़ा चेंजेस आएंगे, तो उससे हमको एक लगता था कि हाँ हमने खुद कर पाए, जबकि उसमें हमने कुछ खास नहीं किया होता था। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल सर ने करके दिखा दिया होता था, सेम प्रोसेस पे हमने किया होता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो फिगर्स थी वो चेंज होती थी, तो हमको लगता था कि नहीं हमने किया है और अपने लेवल पे किया है, खुद ब खुद किया है। ऑन आवर ओन, ऑन माई ओन, ऑन योर ओन, इस पर बात करेंगे। चलिए फिलहाल इससे मतलब नहीं है, आप केवल इतनी सी बात कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता, ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक बार फिर से वही पिछली बात कि अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें। अभी मेरे पास लास्ट टाइम बहुत सारे मैसेजेस जो आए हैं, उन मैसेजेस से मुझे पता लगा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन के लिए क्लासेस चाहते हैं, कुछ एकेडमिक्स के लिए भी बात कर रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्पोकन की शुरू कर दी हैं, बाकी की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे और वीडियोज़ भी डालेंगे। लेकिन आप अपने मैसेजेस डालते रहिए एंड प्लीज़ डू कॉल मी वंस, फ़ोन करें एक बार, व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, लेकिन बताते रहें ताकि हम आपकी टेस्ट के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको वीडियो देते रहें और ऑनलाइन क्लासेस के बैचेस उसी हिसाब से शुरू कर सकें। स्पोकन का बैच शुरू हो चुका है ऑनलाइन का, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी चीज़ों को जानने के लिए एक बार आप मुझे कॉल कर सकें या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। खैर, तो हम ये जो बात कर रहे थे कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, इसी में अगर हम सवाल करने वाली स्थिति में आ जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो काम मैं तो करता हूँ लेकिन न जाने क्यों दिल करता है कि अपने दोस्त से पूछूं क्या तुम ऐसा करते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर इतना चलन में नहीं होता, और मेरे तो कम से कम फैमिली में कोई नहीं पढ़ता है, मेरे लिए ही आता है और मैं ही पढ़ता हूँ उसको, और कॉलोनी में मैं देखता हूँ कि ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते, तो अपने दोस्त के साथ खड़े हैं तो पूछते हैं क्या तुम अखबार पढ़ते हो इंग्लिश का। तो ये सवाल करना है, और आपने देखा था पहले भी जब हम सवाल कर रहे थे तो ये दूसरे नंबर पर आने वाला जो शब्द था जिसे मैं बार बार टाइम वर्ड बोलता हूँ, और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है वो लोग जो पहली बार आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियोस को देखें तो उनको ये टाइम वर्ड, एक्शन, डूअर, ये जो वर्ड्स मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ वो समझ में आ जाएंगे उनको कि ये वर्ड्स मैं क्या हैं और किन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर बहरहाल, तो जो दूसरे नंबर पर आने वाला वो शब्द था जो हालात के बारे में बताता है, जिसको मैं टाइम वर्ड हमेशा बोलता हूँ, वो टाइम वर्ड अब दूसरे नंबर पे नहीं आता जबकि हम सवाल करते हैं, तो वो कहाँ आता है, पहले नंबर पे। जैसे अगर हम बताते थे किसी को कि आपने खाना खा लिया है, यू हैव टेकन फूड, लेकिन जब हम उसे पूछते थे तो हम क्या करते थे, उस यू हैव की जगह हैव को पहले नंबर पे और यू को सेकंड नंबर पे कर देते थे और हो जाता था हैव यू, और जो बदलाव आता था वो हमारे पूछने का तरीका बन जाता था, हमारे बोलने का स्टाइल बदल जाता था। हम बताते थे तो कहते थे हे यू हैव टेकन फूड, आई नो, मुझे मालूम है। देखिए आज वाली स्थिति जो हमने सीखी है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मतलब आई नो, आई नो, ना इसमें एम आएगा ना हैव आएगा, ये एक बात है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जानता हूँ ये बात, मुझे मालूम है, आई नो। सो मुझे मालूम है आप खाना खा चुके हैं, आई नो यू हैव टेकन फूड। लेकिन इसी को यदि मैं पूछता हूँ तो ये हैव पहले आ जाता है और मेरा पूछने का, मेरा बोलने का इस सेंटेंस को अंदाज भी बदल जाता है, उस अंदाज को पूछना कहते हैं, और पूछने का अपना एक अंदाज होता है, और मैं पूछता हूँ हे हैव यू टेकन फूड, हैव यू टेकन फूड। ये था हमारे पिछले वीडियोज़ का, ज़रूर जाएँ वो लोग जो पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं। आज की बात करते हैं, तो आज अगर हम इस हालात में कि जब हम किसी के रूटीन में, मेरे रूटीन में इंग्लिश का अखबार पढ़ना है, मुझे नहीं मालूम आपके रूटीन क्या है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उसको, तो मैं आपसे पूछ लूँगा क्या आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, क्या आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, तो मुझे पूछना होगा डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या आप ऑफिस जाते हैं, डू यू गो टू ऑफिस, क्या आप मूवी देखते हैं, डू यू वॉच मूवी, क्या आप चाय लेते हैं, डू यू टेक टी, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, डू यू प्ले फुटबॉल, कुछ भी ऐसा जो आप
आपकी जिज्ञासा है, आपकी क्यूरियसिटी है और आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकेंगे। उससे पहले फिलहाल चूंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो नई भी जिज्ञासा है तो जिज्ञासा को बन पाइए और अपने भाई बहनों से इस तरह से बात कीजिए, क्या तुम कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार, क्या तुम स्टोरी लिखते हो, डू यू राइट ए स्टोरी, डू यू राइट ए स्टोरी, हे तुम गाली देते हो क्या, डू यू अब्यूज, डू यू अब्यूज। इस तरह से आप बातें करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश की वोकैबलरी, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है, ये सेंटेंस बनाने का जो सिस्टम है, इस सब को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है उस सब के लिए कॉन्फिडेंट होना, क्योंकि वो चीज़ें जिसको आपको कहीं से भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके साथ हैं, आप उनको भी तो कहाँ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप औरों से कम आंकते हैं, जबकि आप आंकने वाले कौन होते हैं। मत आंकिए अपने आप को, आप बस काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आपको जहाँ से जिसने रिवार्ड करना होगा वो करेगा, अपने आप आपको उसका पारितोषिक मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए प्लीज़, आप बस बोलिए। अगर स्पोकन की बात है तो इसमें ये बोलने की हिम्मत आपको लानी होगी अपनी फैमिली से। आपने हर अच्छे बुरे काम की शुरुआत फैमिली से की है, आप याद करिए अपना इतिहास, आज से पहले का जो भी आपकी उम्र है, आज से पहले का जीवन अगर आप देखेंगे तो आपने हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से की है। तो अब इंग्लिश बोलने की भी शुरुआत, आपने जब हिंदी बोलने की शुरुआत की वो भी तो आप परिपक्व नहीं बोलते थे, अभी तक भी परिपक्व नहीं बोलते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से की, घर से की, वो जैसी भी थी ठीक उसी तरह इंग्लिश की शुरुआत भी घर, और घर का मतलब वो चार दीवारी जहाँ हम फैमिली मेम्बर्स, हर वो व्यक्ति जो आपके साथ इनफॉर्मल है, जिसके साथ आप इनफॉर्मल हैं, जहां औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है, जिनके साथ आप नहीं शर्माते हैं, वो सब आपके फैमिली मेंबर्स ही तो हैं, आपके वो फ्रेंड्स जिनसे आप अपने दिल की सारी बातें कह डालते हैं, वो भी तो आपके फैमिली मेंबर्स ही हुए, आप उनके साथ भी इन तमाम सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जो मैंने आपको बोलना सिखाया है, ये सारी इंग्लिश नहीं है, ये सारी इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश बहुत सारी है, लेकिन ये शुरुआत है, ये शुरुआत आपको जो कॉन्फिडेंस दिलाएगी, ये उस बहुत सारी इंग्लिश को पाने की ताकत आपको देगी जो पाना बाकी है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, हैव अ नाइस टाइम, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।